आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बीएसपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है, जहां यूपी में चुनाव समय से कराने की मांग की गई है। वहीं रैलियों में आ रही भीड़ पर भी ज्ञापन में जिक्र किया गया है। कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसा बीएसपी ने ज्ञापन में कहा है। कोरोना केस बढ़ने से पूरा देश जो है वो स्तब्ध है। तो इसके बाद बीएसपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव समय से कराने की मांग जो है चुनाव आयोग से की है। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जहां पर रैलियों में आ रही भीड़ पर का भी ज्ञापन में जिक्र हुआ है। बीएसपी ने कहा है कि कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, वही जिस प्रकार से रैलियों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसी कड़ी में आज बीएसपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंप कर चुनाव समय से कराने की मांग की है। आपको बता दें कि बीएसपी ने यह ज्ञापन सौंपा है, जहां पर उन्होंने कोरोना का जिक्र भी किया है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नितिन, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ जानकारी है? साफ तौर पर उसका आज चुनाव आयोग का जो दल है वो राजधानी लखनऊ में है, और वो चुनावों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहा है, कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक कर रहा है कि क्या चुनाव तय समय पर हो पाएंगे, कराए जा सकते हैं या नहीं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन जो है वो चुनाव आयोग को दिया गया है, और उस ज्ञापन में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि चुनावों की रैलियों में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है और कोरोना का हवाला दिया जा रहा है इस ज्ञापन के जरिए कि वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। लेकिन इसी दौरान इस ज्ञापन में ये भी लिखा गया है कि चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश में तय समय पर कराए जाएं, चुनाव के समय को आगे पीछे ना किया जाए। अगर ये होगा तो उससे और दिक्कतें आने वाले दिनों में बढ़ जाएंगी, क्योंकि कोविड अगर बढ़ता है तो ये चुनाव जो है वो लंबे समय तक खिंच जाएगा। तो ऐसे में बसपा की तरफ से कहा गया है कि चुनाव जो है वो तय समय पर करवाए जाए चुनाव आयोग की तरफ से। और दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग की जो टीम है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे कर रही है, और आज वो राजधानी लखनऊ में है, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि तय समय पर ही उत्तर प्रदेश का चुनाव कराया जा सकता है, क्योंकि ये जो इशारा था वो भी चुनाव आयोग की तरफ से कल कर दिया गया था। जी नितिन, बीएसपी के अलावा समाजवादी पार्टी भी चुनाव समय से कराने की और पहले ही मांग कर चुकी है, किस प्रकार से देखते हैं आप? कहीं ना कहीं चुनाव टालने की वजह भी कोरोना माना जा रहा है, ऐसे में कोरोना का ही हवाला देकर समय पर चुनाव कराए जाने की मांग किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हाई कोर्ट ने भी केंद्र की सरकार से ये एक दरख्वास्त करी थी कि जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं इनको देखते हुए जो चुनाव है उन चुनावों की प्रक्रिया पर और चुनावों के समय को आगे बढ़ाने पर एक बार सरकार विचार करे। उसके बाद चुनाव आयोग की जो टीम है वो लगातार दौरे पर है, और ऐसे में देखा जाए तो जो विपक्षी दल है उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव तय समय पर ही कराने की मांग जो है वो की है, चाहे हम सपा की बात करें या फिर आज बीएसपी की तरफ से भी इस बात को कहा गया है कि चुनाव जो है वो तय समय पर कराने जरूरी है। लेकिन बीजेपी का क्या रुख है क्या रुख नहीं ये अभी भी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और सपा जहां एक तरफ चुनाव समय पर कराना चाहती है तो दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं चुनावों को और आगे बढ़ाना चाहती है, ताकि उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल खुद को मजबूत कर रहा है उस विपक्षी दल की जो कमियां हैं और उसकी जो ताकत है उसे किसी तरह से कम किया जाए। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं लखनऊ से, जहां पर बीएसपी ने आज चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है, जहां पर चुनावों को सही समय से कराने की मांग की गई है। और इसी बीच फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि पारिवारिक रंजिश के चलते भाई ने ही भाई की हत्या कर दी है। तेजधार हथियार से हमला कर भाई को मौत के घाट उतार दिया है। बैसोया का बताया जा रहा था हमलावर। फरीदाबाद से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर रिश्तों को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पारिवारिक रंजिश के चलते एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि तेज धार हथियार से हमला कर भाई को मौत के घाट उतार दिया गया है। वही हमलावर जो है वो बैसोया का बताया जा रहा है।
और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री का विशेष विमान पहुंचा है लखनऊ एयरपोर्ट। दिल्ली से पीएम का विशेष विमान लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा है। लखनऊ एयरपोर्ट से पीएम जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। कम विजिबिलिटी होने के कारण शेड्यूल में ये बदलाव किया गया है। पीएम के शेड्यूल में एक बदलाव किया गया है, जिसके चलते अब लखनऊ एयरपोर्ट उनका विशेष विमान पहुंचा हुआ है। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पीएम के शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जहां प्रधानमंत्री का विशेष विमान इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली से पीएम का जो विशेष विमान है वो इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट जो है वो पहुंच चुका है। लखनऊ एयरपोर्ट से पीएम अब दिल्ली के लिए रवाना होने वाले। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी कानपुर के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने मेट्रो की सौगात दी है। वहीं अब जब वापस दिल्ली जा रहे थे तो कम विजिबिलिटी के कारण जो है उनका शेड्यूल वो थोड़ा सा बदल दिया गया है। वहीं अब पीएम का विशेष विमान लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुका है, जहां लखनऊ एयरपोर्ट से अब पीएम दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले हैं। और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर टीजीटी और पीजीटी अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि मुलाकात कर छात्र छात्राओं की समस्या से डिप्टी सीएम को अवगत कराया गया है। अभ्यर्थियों की मांग प्रदेश स्तर की काउंसलिंग की है, जिसको लेकर उन्होंने आज डिप्टी सीएम से मुलाकात की। जिला स्तर काउंसलिंग से समस्या खड़ी होगी, इसी सब कारणों की वजह से आज डिप्टी सीएम जो है अभ्यर्थियों ने उनके साथ मुलाकात की है। वहीं डिप्टी सीएम ने अभ्यर्थियों को आश्वासन भी दिया है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे लखनऊ संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विभांशु, आज टीजीटी और पीजीटी अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की है, क्या कुछ जानकारी है? जी बता दें कि टीजीटी और पीजीटी से जुड़े करीब 8,000 अभ्यर्थी की काउंसिलिंग होनी है, उसी को लेकर आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से मुलाकात किए हैं। और आपको बता दें कि मुलाकात कर छात्रों ने अपने समस्याओं से अवगत करवाया है, और अभ्यर्थियों ने ये भी कहा है कि डिप्टी सीएम अगर हमारे आश्वासन के बाद भी हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो हम विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि जिला स्तर से काउंसलिंग की समस्या खड़ी हुई है। जी विभांशु, जिला स्तरीय जो काउंसलिंग है उसको लेकर क्या कुछ समस्या इस वक्त जो अभ्यर्थी है वो बता रहे हैं? जी आपको बताना चाहेंगे इसका कि जिला स्तरीय जो पीडी की गई है उसमें कुछ दिक्कतें हैं, और दिक्कतों का इसी सब मामलों पे उन्होंने दिनेश शर्मा से अपनी बात को रखा है, और दिनेश शर्मा ने इस मामले पर आश्वासन भी दिया है कि इस पे पूरी कार्रवाई की जाएगी और इस पे इसका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद विभांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर टीजीटी और पीजीटी के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से मुलाकात की है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।